नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सीपी के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्कूल कॉलेजों से संबंधित बड़ी अपडेट सामने आ रही है, पूरी न्यूज आपको ऑफिशियल बताई जाएगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम देखते हैं पूरी ऑफिशियल न्यूज। देखिए मित्रों, ये आज की बड़ी ऑफिशियल न्यूज है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अनलॉक 4 की तैयारी शुरू, यानी सरकार ने अनलॉक 4 की तैयारी है अब शुरू कर दी है और कुछ ही दिनों के बाद इसको सरकार लागू करने वाली है। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, यानी अनलॉक 4 के तहत भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्यों को विकल्प देगी केंद्र सरकार, यानी राज्यों को भी केंद्र सरकार विकल्प दे सकती है कि आप स्कूल खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा, अब है अनलॉक 4 के तहत है मेट्रो सेवा है और खुल सकते हैं सिनेमा हॉल है। मल्टीप्लेक्स पर पाबंदी जारी रहेगी, अब है केवल मेट्रो सेवा है और सिनेमा हॉल है वो खुल सकते हैं। ये नई दिल्ली से बड़ी खबर है। देश में तेजी से फैल रही कोरोना संक्रमण के बीच मोदी सरकार ने अनलॉक 4 की तैयारी शुरू कर दी है। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो, उसे सबमिट करने के बाद 3 सेकेंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जी मेंस एंड एडवांस से लेकर सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका एक और खासियत है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400400400, जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 में भी स्कूल कॉलेज बंद रह सकते हैं। वहीं मोदी सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के साथ सितंबर में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे सकती है। बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें सिनेमा हॉल खुल सकते हैं मगर मॉल्स में मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी भी नहीं होगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अनलॉक 4 के दौरान दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर 15 दिन तक मेट्रो सेवा फिर शुरू की जा सकती है। इस दौरान एक कोच में सिर्फ 50 लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। इसमें जरूरी सेवाओं से जुड़ी कर्मचारियों को ही यात्रा की अनुमति है वो दी जाएगी। दिशा निर्देश तय करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। उसके बाद में अनलॉक 4 के तहत है तो दिशा निर्देश है वो राज्यों पर छोड़े गए हैं। माना जा रहा है कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एक विकल्प देगी, यानी राज्य चाहे तो स्कूल है कॉलेज है उसको खोल सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस निर्णय को राज्य सरकार पर ही छोड़ देगी। राज्य सरकार इसके बाद अपने यहाँ इसकी व्यवस्था शुरू कर देगी। बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, अनलॉक 4 में भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे और केंद्र सरकार ने एक विकल्प राज्यों को दिया है कि वो चाहे तो स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। आपको ये न्यूज अच्छी लगती है, इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।